सुहानी के हक के लिए लड़ते नजर आए रणवीर, सुहानी की हुई सरेआम बेइज्जती। पर क्या डॉक्टर बनने का सपना रह जाएगा सुहानी का अधूरा? पर क्या कुछ हुआ सिर्फ तुम के आने वाले एपिसोड में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर सिर्फ तुम में जहां सुहानी को मिलने वाला है बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, वहीं इस अवार्ड के बीच आ चुकी है एक बड़ी रुकावट। फंक्शन के दौरान ही सरेआम सुहानी की हो चुकी है बेइज्जती, जहां इस अवार्ड को देने से कर दिया है प्रिंसिपल ने इनकार कि सुहानी नहीं डिजर्व करती है इस अवार्ड के हक को। जिसके बाद ही सुहानी काफी इमोशनल होती हुई आई नजर, वहीं उनके पेरेंट्स के सपने भी टूटते हुए नजर आए। इसी के साथ ही साथ सुहानी के हक के लिए एक बार फिर रणवीर खड़े होते हुए आए नजर, जहां रणवीर कहते हैं कि सुहानी है एक डिजर्विंग डॉक्टर और उनसे इस बात का हक कोई नहीं छीन सकता। क्या एक बार फिर से बिखर जाएगा सुहानी के डॉक्टर बनने का सपना, या फिर रणवीर दिलवा कर रहेंगे सुहानी को उनका हक? वेल, आप कितने एक्साइटेड है सिर्फ तुम के आने वाले एपिसोड को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।